वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं संदीप तिवारी, मेरे साथ है रवि पी तिवारी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन के लिए आज हम एक साथ हैं। सर, इस महत्वपूर्ण सेशन पर इंट्रैक्शन करने से पहले आप सभी लोगों को पावन पर्व गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि वर्तमान परिदृश्य में जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, इन परीक्षाओं में आपके अंतिम चयन में रीजनिंग और गणित की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाएं हों और चाहे वो राज्य सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाएं, रीजनिंग और गणित अलग अलग स्तर की परीक्षाओं में अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए बैंक पीओ और क्लर्क है, इसमें जो पूछा जाता है वो सी सेट में नहीं पूछा जाता। सी सेट में जो पूछा जाता है वो स्टेट कमीशन में नहीं पूछा जाता है। स्टेट कमीशन में जो चीजें पूछी जाती हैं वो एसएससी सीजीएल में नहीं पूछी जाती हैं, सीएचएसएल में नहीं पूछी जाती हैं। सीपीओ एसआई का एक अलग स्टैंडर्ड है, दिल्ली पुलिस एसआई का एक अलग स्टैंडर्ड है, यूपीएसआई का एक अलग स्टैंडर्ड है, लोअर पीसीएस के मेंस होने वाले हैं उसमें भी मैथ और रीजनिंग की भूमिका है। तो अगर हम लोग देखें तो जितनी भी परीक्षाएं ओवरऑल आयोजित हो रही हैं उसमें गणित और रीजनिंग अब एक अनिवार्य भूमिका में है आपके चयन में। अब आपके दिमाग में एक बात ये आती है कि क्या सर कोई ऐसा कंप्लीट पढ़ाई हो सकता है रीजनिंग का? जैसे अलग अलग तरीके के जब आप बैच पढ़ते हैं तो अलग अलग तरीके के बैचेज में उतना ही पाठ्यक्रम गणित और रीजनिंग में आपको पढ़ाया जाता है जितना उस पर्टिकुलर परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए जरूरी है। तो क्या कोई ऐसा बैच हो सकता है जिससे हम पूरा रीजनिंग एक साथ सीख सकें या पूरा मैथ एक साथ सीख सकें? क्या हम एसएससी सीजीएल भी दे लें, हम आईएएस का सीसेट भी दे लें, हम स्टेट कमीशन भी दे लें, हम बैंकिंग की परीक्षाएं भी दे लें, हम यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं भी दे लें, या जितने भी स्टेट कमीशन आपकी परीक्षाएं कराते हैं हम उन सारी परीक्षाओं को दे लें? बिल्कुल, ऐसे बैच को हम लोग कहते हैं कॉम्बो इंडिविजुअल बैच। इंडिविजुअल बैच का मतलब ये होता है कि उस विषय का कुछ भी बचेगा नहीं अगर आपने इंडिविजुअल बैच को ज्वाइन किया। जैसे मान लीजिए मैं रीजनिंग की बात से शुरू करता हूं, इसके बाद संदीप सर मैथ की बात से शुरू करेंगे। जैसे रीजनिंग अगर हम लोग देखें तो तीन भागों में रीजनिंग बेसिकली बटा होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल एंड लॉजिकल। अगर हम इन तीनों भागों को देखें तो लगभग लगभग 45 टोटल आपके चैप्टर होते हैं, टॉपिक होते हैं। 45 चैप्टर से ही लगभग लगभग सभी परीक्षाओं में आता है। अगर हम इन 45 टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लें तो आप आईएएस से लेकर नीचे तक की जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो कोई प्रवेश परीक्षा हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी परीक्षा में रीजनिंग आपका छूटेगा नहीं बेसिक से। इसको हम लोग कहते हैं एफ टू ए, फाउंडेशन टू एडवांस। मतलब बिल्कुल शून्य से शुरू करते हुए और उस लेवल तक पहुंच जाना जहां पर शायद कैट का क्वेश्चन भी सामने आए तो कैट के क्वेश्चन में भी रीजनिंग में आपको दिक्कत ना हो। ऐसे बैच को हम कहते हैं इंडिविजुअल बैच। इंडिविजुअल रीजनिंग का और इंडिविजुअल मैथ का एक कॉम्बो पहला बैच है। आप लोग 2 वर्ष से लगातार इसकी इंक्वायरी भी कर रहे थे। हम लोग ऑफलाइन में बड़े बड़े बैच इसके पढ़ाते रहे हैं और जो है ऑनलाइन में कभी ये सेपरेट बैच हम लोग लेके नहीं आए हैं, लेकिन बहुत इंक्वायरी के बाद हम लोगों ने एक कॉम्बो पैकेज डिजाइन किया जिसमें मैथ और रीजनिंग का ये इंडिविजुअल कॉम्बो बैच है। अब मैं आपको बताऊं इस बैच में है क्या क्या। 45 टॉपिक आपके 45 टॉपिक्स हैं। लगभग हर टॉपिक से 150 प्रश्न आपके होंगे, डाउट सेशन होंगे, लाइव क्लासेज होंगी और डेली 1.25 घंटे की एक जबरदस्त क्लास आपकी रीजनिंग की होगी और 1.25 घंटे की एक जबरदस्त क्लास आपकी मैथ की होगी, जिसमें ये किसी एक परीक्षा को पर्टिकुलर लक्षित करने के लिए बिल्कुल नहीं है, एक परीक्षा को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आप रीजनिंग सीख रहे हैं, इसमें ना कोई टाइम बाउंड है कि हमें इतने दिन में पूरा करना है। 3.5 से 4 महीनों में बेहतरीन तरीके से हम आपको तैयार करेंगे और कि ऐसा तैयार करेंगे कि आप उस स्थिति में होंगे कि ना केवल कंपटीशन के लिए बल्कि आपके मन में यदि विचार आए कि हम रीजनिंग पढ़ाना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से रीजनिंग पढ़ा भी सकते हैं, या आप चाहे हम मैथ पढ़ाना चाहते हैं तो आप मैथ भी पढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम आपको तैयार करेंगे। तो हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि हम आपको किसी परीक्षा के लिए तैयारी ना करवा के रीजनिंग तैयार करवा रहे हैं और मैथ तैयार कर रहा है, इस तरीके से लेके एक कार्यक्रम है। अक्सर भी अपने कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे गणित की भूमिका कैसे। जब कभी हम लोग, आप देखते हैं रवि सर, कि जब कभी हम लोग कोई भी एक सेपरेट बैच चलाते हैं, कोई भी एक बैच चलता है तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम होती है और हमारे सामने भी स्थिति होती है, हम लोग स्पष्ट भी करते हैं कि हम लोग पर्टिकुलर इस बैच के लिए बैच चला रहे हैं। उसमें होता क्या है कि बहुत हमको जो है लिमिट बना के चलना पड़ता है, टाइम ड्यूरेशन को ध्यान देना होता है, परीक्षा की तिथियों को फोकस करना पड़ता है और सेगमेंट्स भी हमें देखने पड़ते हैं। किसी परीक्षा में जैसे रवि सर ने बताया कि कुछ पोर्शन सीसेट में आते हैं, एसएससी में नहीं आते हैं, बैंकिंग में नहीं आते हैं और मतलब अलग अलग सेगमेंट होता है,
तो हम लोग वहां पर इस बात को सेंट्राइड करते हैं, बताते हैं आपको कि अगर हमको जैसे इस परीक्षा को छोड़कर बाकी परीक्षाओं को भी अगर हमें फोकस करना है तो उसके लिए हमें इसी टाइप के एक प्रोग्राम को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तमाम सारे कमेंट्स आए हैं, तमाम सारे आपके जो है मैसेजेज आए हैं, सर आप किसी भी तरह से आप लोग एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर इन चीज़ों को बेहतर तरीके से हमें प्रोवाइड करें जिससे हम शून्य से शिखर तक पहुंच सकें। रवि सर ने रीजनिंग का एक जो कि एक मिसाल है, रीजनिंग में मैं छोटी बात कर रहा हूं, अगर देखा जाए इनको अगर मैं तुलना कर रहा हूं तो एक मिसाल है। इन्होंने जैसा कहा कि हम टीचर बना सकते हैं तो वास्तव में बना सकते हैं, बहुत बड़ा बना सकते हैं। तो मैं आपको जैसे बताता हूँ कि मैथ्स के सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स की जो भूमिका है बड़ी ही चेंजेबल मतलब होती जा रही है, अगर देखा जाए चेंजेबल साथ साथ चैलेंजिंग होती जा रही है। आप देखते हैं तीन खंडों में मैथ्स बटी है, किसी परीक्षा में मैथ्स में लिखा है अंगणित, बीजगणित, रेखागणित, किसी परीक्षा में लिखा है अर्थमेटिक्स एंड एडवांस। अब यहां एक बड़ा चैलेंज है कि बैंकिंग अगर हम दे रहे हैं तो हमको इस तरह से फोकस करना है, और हम एसएससी या अन्य परीक्षाओं को देख रहे हैं, राज्य स्तर की देख रहे हैं तो अन्य तरह से फोकस करना है। तो हमारे सामने इस चैलेंज को ही फेस करना है, और इसी चैलेंज को फेस करने के लिए हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं। अब चाहे आप अंगणित, बीजगणित, रेखागणित को देखेंगे, अर्थमेटिक्स एंड एडवांस को देखेंगे, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि शून्य से शिखर तक मतलब जो बेसिक से लेकर के जैसे रवि सर ने कहा कि अप टू ए, हम वही प्लानिंग हम लोग उसी तरह से करेंगे, हम एक ही सेगमेंट पर काम करेंगे, हम लोग की प्लानिंग एकदम सेम टू सेम एक ही तरह से करती चली जाएगी। हम मैथ सेगमेंट्स की अगर हम आपको बात करें थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल दूं, हालांकि हर चीज़ के एक विस्तृत रूपरेखा आपको जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगी और वहां पर आपको पूरे शेड्यूल पूरे तरीके को समझाया जाएगा। जब हम लोग मैथ्स को पढ़ाने जाते हैं, रीजनिंग पढ़ाने जाते हैं, तो हमारे सामने अलग अलग खंडों में अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। मैंने तीन प्रकार के स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया है, एक तो ऐसे जैसे हमारे साथ कल से शुरुआत करेंगे, उनकी डिमांड एक्सपेक्टेशन मेरे से बड़ी हाई रहेंगी। दूसरा ऐसे कुछ लोग होंगे जो कुछ पढ़े होंगे, कुछ छूट गया होगा, कुछ में कन्फ्यूजन होगा। तीसरा ऐसे लोग होंगे जो कि मतलब एकदम से पढ़ लिए होंगे, उनको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। हम सभी प्रकार के सेगमेंट में आपको बेहतर अनुभव कराएंगे, इस बात की हम सिक्योरिटी गारंटी देते हैं आपको। दूसरी चीज़, अगर हम थोड़ा सा कैरिकुलम की बात करें, कंटेंट की बात करें, तो जो हमारा तौर तरीका है, जैसे कि रवि सर ने कहा 1.25 से 1.5 घंटे की रेगुलर आपकी क्लास होगी, जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्लास होगी, लाइव क्लास होगी। इसके साथ साथ भी हम लोग डाउट रिमूवल क्लास और प्रैक्टिस सीट जो हम प्रोवाइड करेंगे अपनी तरफ से, उस पर भी डिस्कशन के लिए अलग सेगमेंट आपको रेडी करेंगे। जब क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमने तो अपने हिसाब से जैसे चीज़ों को रेडी किया है कि अगर हम एक चैप्टर उठा ले, जैसे मान लीजिए परसेंटेज उठा लिया आपने, तो 8 से 10 टाइप्स टोटल परसेंटेज पे बनते हैं। हर टाइप की बात करें तो हर टाइप को मैंने दो लेवल में डिवाइड कर दिया, दो लेवल में डिवाइड किया। एक लेवल आपका थोड़ा सा बेसिक था, उससे थोड़ा सा मीडियम, और उसके बाद एक बड़ा ही एडवांस लेवल। तो इनको कंबाइन करते हुए हम लोग हर टाइप कवर करेंगे, बाद में कंप्लीट मिक्सर सारे टाइप्स को उठा करके एक कंप्लीट सेशन रेडी करेंगे, देन आफ्टर हम लोग टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करेंगे हर चैप्टर पर। ऐसे ही करते हुए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते रहेंगे। सर देखिए, कब होता क्या है कि जब हम परीक्षाओं में जाते हैं तो हम अलग अलग माध्यम से आए होते हैं, अलग अलग बोर्ड से आए होते हैं, अलग अलग साइड से आए होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कॉमर्स से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग आर्ट से पढ़ रहे हैं, तो आर्ट से पढ़ने वालों की मैथ वीक है, लेकिन अब उन्होंने भाई जब कंपटीशन को चुना है तो वहां पर जब पेपर आएगा तो वो आर्ट वाले के लिए अलग नहीं आएगा, साइंस वाले के लिए अलग नहीं आएगा, कॉमर्स वाले के लिए अलग नहीं आएगा। इंडिविजुअल बैच में हम लोगों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं करते, यहां पर हमें ये मौका मिलता है कि हम वास्तव में आपको सिखा सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए हम पर्टिकुलर कोई किसी स्पेसिफिक बैच में पढ़ा रहे हैं तो वहां पर हमें मालूम है कि भाई केवल 20 टॉपिक ही हमें पढ़ाने हैं, इसी 20 टॉपिक से क्वेश्चन आए। यहां पर वास्तव में हम आपको सिखाने की प्रवृत्ति पर काम करते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे लिए भी खुला मैदान है कि हम किसी भी लेवल पर जाकर कितनी भी कठिन चीजें हों हम आपको समझा सकते हैं, हम आपके दिमाग में सेट कर सकते हैं, जब तक आप संतुष्ट ना हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वास्तव में अगर हमारी भी योग्यता का आकलन आप लोग करना चाहें, या हमारी भी योग्यता का आकलन करना हो, या देखना हो कि वास्तव में एक विषय का जो फील होता है, एक भाग का जो फील होता है वो क्या होता है, तो वो आप इंडिविजुअल बैच में जज कर सकते हैं, वहां पर समझ सकते हैं, और आप पूरी तरीके से उस भाग को एंजॉय कर सकते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि रीजनिंग सभी विषयों का मेल है, उसमें आप जीएस भी पढ़ते हैं, उसमें आप इंग्लिश भी पढ़ते हैं, उसमें आप हिंदी भी पढ़ते हैं, उसमें आप मैथ भी पढ़ते हैं। तो एक तरीके से सभी विषयों पर जब बात होती है तो ना केवल एक भाग बल्कि जीवन को कैसे जिया जाए इन मुद्दों पर भी बात होती है, और बहुत शानदार तरीके से हम लोग इस चीज को प्रारंभ करने चल रहे हैं। एक मिनट लूंगा सर, कि रीजनिंग पढ़ेंगे रीजनिंग की तरह, मैथ पढ़ेंगे मैथ की तरह, जो रिक्वायरमेंट है जैसी जरूरत है वैसा पढ़ेंगे, हमने एक चीज अनुभव किया है। लेकिन अगर जैसे मैथ विषय को देखें तो मैं देखता हूं कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट, भाई देखिए हम लोग यहाँ पर मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, विषय पढ़ रहे हैं, लेकिन विषय को भी कहाँ हमें अप्लाई करना है इसको भी देखना जरूरी है। हम कंपटीशन में पढ़ रहे हैं, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। एकेडमिक की मैथ, चाहे वो आपका रिसर्च होल्डर हो, चाहे वो एमटेक किया हुआ छात्र हो, कोई भी हो,
कंपेटिटिव मैथ को सॉल्व करने में प्रॉब्लम उसको आएगी, वो गारंटीड उतने समय में प्रश्नों को हल नहीं कर पाएगा जितने समय की वास्तव में, मुझे एकदम से भरोसा है कि वो सारे प्रश्नों को कर सकता है अगर उसके पास भरपूर टाइम है, समय है, सब कुछ है, आराम से कर सकता है। लेकिन जिस समय की जो रिक्वायरमेंट है उतने समय में उसको करने के लिए कंपेटिटिव का नेचर लेना जरूरी होगा और हम लोग उसी पर प्लान करेंगे, उसी तरह से ही बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट से लेके, ट्रिक्स से लेके, कॉन्सेप्ट से लेके, ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करने से लेकर जितनी भी बारीकियां होती हैं इस बैच में, आप इस कंटेंट के लिए आप सब कुछ सीखेंगे। 9 जुलाई से बैच प्रारंभ है, 9 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आपको बताया जाएगा संस्था की तरफ से क्या करना है। अभी हम लोग कल से प्रत्येक रात 9 बजे उसी फॉर्म में एक एक घंटा आपको पढ़ाने आ रहे हैं। तो कल से हम सभी लोग लाइव रहेंगे, 9 से 10 आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, 10 बजे से आपकी मैथ की क्लास होगी और अगले कुछ दिनों तक हम लोग लगातार आपके साथ लाइव रहेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक विषय को आप फील करते हैं और 9 तारीख से फिर संस्था की तरफ से आपको प्रवेश की जानकारियां प्रदान कर दी जाएंगी कि कैसे आपको प्रवेश प्रक्रिया को फॉलो करना है। जो लोग इंटरेस्टेड हो, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर चल रहे हैं आप देख रहे हैं, इन डिस्क्रिप्शन में चल रहे नंबर पर आप फोन करके प्रवेश संबंधी सूचना प्राप्त करना प्रारंभ कर सकते हैं, या आपके मन में कोई संदेह और डाउट हो तो आप संस्था से इसके लिए फोन कर सकते हैं। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। एक वादा हम लोग दोनों लोग अपनी तरफ से करते हैं, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सर्वश्रेष्ठ सर्व करने के लिए प्रतिबद्ध है। और अगर आप लोग मैथ और रीजनिंग का ये बैच करते हैं, भाई देखिए ये बैच साल में एक बार आएगा, ये बैच बार बार नहीं आ सकता, हम लोग इस बैच में बार बार प्रवेश नहीं ले सकते क्योंकि ये अलग तरीके का बैच है। तो अगर आप देखिए कि आने वाला समय बहुत स्वर्णिम है वैकेंसीज के लिए, तो यदि आप लोग वास्तव में चाहते हैं कि जो वैकेंसीज आ रही हैं उनके पहले तमाम तरह की वैकेंसीज है, आपका UPSI है, आपका लोअर PCS मेंस है, ग्रामीण बैंक में भी आप देख रहे हैं कि 8000 वैकेंसी आई है बैंकिंग के लिए, SSC की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, IB की वैकेंसी आने वाली है, तो किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी कमीशन के लिए, सेंट्रल के लिए आपको कोई भी तैयारी करनी है उसमें आपका ये बैच अगर आप पहले से करके रखेंगे जब वैकेंसी आएगी आपके लिए अत्यंत फायदेमंद होगा। चाहे वो SSC CGL हो, CHSL हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो CPO SI हो, या कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम जो आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं। तो हम दोनों की तरफ से अनंत और आकाश पर शुभकामनाएं। सेशन कैसे लगा नीचे कमेंट करिएगा, अपने इंटरेस्ट को दिखाइएगा। कल रात में 9 बजे हम दोनों लोग आपसे मुलाकात करेंगे, तो कल रात में 9 बजे से आप लोगों को रीजनिंग और मैथ के साथ हम लोगों के साथ लाइव रहना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।